टर्नरी ऑपरेटर को अगर हमें एल्स इफ में लगाना पड़ जाए तो वो हम कैसे करके लगाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है हमें हमने हमारे पास स्केल पे क्या चीज़ है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं स्केल पे ना। कहाँ गया वो हमने स्केल जो बनाया था, हमारे पास स्केल में यहाँ पे तीन चीज़ें कि या तो 25 होगा इसका, मैं स्केल यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसे हमने अभी अभी हमारे इस वाले का स्केल ड्रॉ किया था, थोड़ा स्क्रॉल अप करके। अब ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, तो तीन कंडीशन का हम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या ज़ीरो होगा, ठीक है, और इस तरफ कोई माइनस में कुछ हो सकती है चीज़, या इस तरफ पॉजिटिव में कुछ हो सकती है, और हमारे पास एक 30 होगा यहाँ पे, ठीक है, और एक बीच में है 25। सही है, तो अब हमें ये तीन कंडीशन पे लगाना है कि भाई 25 से लेके अगर सॉरी तीन नहीं है हमारे पास, चार हैं हमारे पास, तीन नहीं है चार हैं हमारे पास, हमारे पास चार कंडीशन कैसे हैं भला। कि एक तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर ना एक 20 है हमारे पास, इस वाले पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि भाई एसी को ऑन कर दो, ठीक है, हमें ये करना है। अच्छा उसके बाद एक है हमारे पास 25, ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे हम कहना चाह रहे हैं कि भाई एसी को क्या कर दो आप, एसी को लो कर दो आप, ठीक है। अच्छा और फिर एक हमारे पास 30 है, एक हमारे पास क्या है 30 है, ठीक है। अच्छा हम मेरे ख्याल है 30 नहीं रखते हम यहाँ पे, ये 25 ही है बस, 25 से ऊपर जितना भी है हम इस पे कह रहे हैं कि भाई एसी को आप ऑन कर दो। अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टी कंडीशन लिख दी है बाय द वे, यहाँ पे ऑन नहीं था, यहाँ पे था ऑफ, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ठंड होती है ना, तो ठंड में ऑफ किया जाता है फिर, ठीक है, यहाँ पे ऑफ था, मैंने गलत लिख दिया था, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। अच्छा मैंने कहा 25 या इससे आगे कोई भी हो कंडीशन, तो उस पे मैं ऑन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन नहीं है, 25 और 30 है। अच्छा अब ये ज़ीरो भी है अगर मेरे पास, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 ज़ीरो से लेकर 20 तक, मैं ये पास ज़ीरो भी मेरे पास नहीं है, मैंने कहा भाई 20 से आगे कुछ भी हो ना आगे उस पे ऑफ करवाना है, तो हमारे पास एक कंडीशन बनेगी जो किसको कवर करेगी, 20 से नीचे नीचे वाले तमाम को कवर करेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन बनेगी जो हमारे पास क्या करेगी, 20 और 25 को कवर करेगी, और तीसरी कंडीशन बनेगी जो 20 से ज़्यादा जितना भी है उसको कवर करेगी, ठीक है, कि भाई ऑन कर दो। अच्छा हमारे पास इस केस में कोई इनवैलिड इनपुट नहीं है, अगर बंदा -10 भी कहता है तो हम कहेंगे भाई ऑफ़ कर दो इसी को, ठीक है, या अगर पॉजिटिव में कहता है 50 डिग्री हो गई है या 100 डिग्री हो गई है, 100 डिग्री पे पानी गर्म हो जाता है, खोल जाता है, तो हम फिर भी उसको कहेंगे कि भाई एसी ऑन कर दो। तो हमारे पास ये स्केल के ऊपर तीन ही कंडीशन है, ठीक है, तो हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे, हम या तो इस तरफ से स्टार्ट कर लेंगे या तो हम इस तरफ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ना इस तरफ से किया था ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले हम ऑन वाले क्राइटेरिया को देखते हैं, ठीक है, ऑन वाले से हम शुरू करते हैं, क्योंकि इस तरफ से करना देख लिया तो दूसरी तरफ से भी तरीका सेम ही है, ठीक है, बस वो साइन चेंज होगा। इस तरफ से हम करते थे तो हमने साइन यूज़ किया था आपका लेस देन का, ठीक है, और जब हम इस तरफ से करेंगे तो फिर जाहिर है वो ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहे होंगे हम। अच्छा अब हमने बोला कि भाई इस वाली कंडीशन पे मैं क्या लगाऊंगा, कि अगर यूज़र का जो इनपुट है वो क्या है, ग्रेटर देन 25 है, क्योंकि 25 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 25 तक मुझे एसी नहीं चाहिए, 25.1 होगा ना फिर मुझे एसी चाहिए, ठीक है, या 26 होगा जब टेम्परेचर फिर मुझे एसी चाहिए, 25 तक मुझे एसी नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा कि यूज़र का इनपुट अगर बड़ा है, अच्छा पहले 30 था ना, अब हम 25 कर रहे हैं, ठीक है, 25 से अगर बड़ा है इनपुट तो मैंने कहा टर्न ऑन करोगे आप एसी, ठीक है। अच्छा फिर एल्स इफ के अंदर अब मैंने क्या लगाया कि यूज़र का इनपुट अगर बड़ा है,
ठीक है। अभी ये पहले ना, अगर मैं पहले ये डायरेक्ट ये बात करता ना, ग्रेटर देन दो लगाता, तो समझ में नहीं आता ये आप यूज़र कहता है कि यार इसमें तो एंड लगेगा ना, एंड का लगेगा, और का साइन लगेगा इसमें, तो इसमें और एंड और लग सकता है, लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, वो हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा वही है, एंड और का टॉपिक है। तो मैंने बोला अगर यूज़र इनपुट बड़ा है 25 से तो टर्न ऑन करवा दो, एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़ का मतलब है ये जो अगली कंडीशन थी इसको हटा के मैंने पूरा एक टर्नरी यहाँ पर लगा दिया, एल्स इफ। और एल्स इफ में मैंने क्या बोला कि अगर यूज़र का इनपुट जो है वो बड़ा है किससे, अब अगला हमारे पास क्या है, 20 से बड़ा है अगर। ठीक है, मैंने कहा 20 से अगर बड़ा है तो क्या कर दो, उसको बोलो, उसको बोलो लोअर द एसी। ठीक है, अच्छा द एसी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि द एसी नीचे लिखा हुआ है, लोअर जस्ट मुझे लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्रू नहीं होते, 25 से भी बड़ा नहीं है, 20 से भी बड़ा नहीं है, इसका मतलब है 20 से छोटा है, तो ये एल्स हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि टर्न ऑफ। ये जो मैंने बात लिखी है सब लोगों को समझ आई कि टर्नरी ऑपरेटर में एल्स इफ कैसे लगेगा, और एल्स इफ लगाते हुए जब भी मैं एल्स इफ लगाऊंगा तो जाहिर है मैं दो तीन कंडीशंस पे लगा रहा होता हूँ, तो उसके लिए मैं ये स्केल का जो इस्तेमाल करता हूँ ये मैं कैसे करता हूँ, ये सब लोगों के समझ आया, इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा, इसको चला के भी देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये मैंने पैरा, अच्छा इन, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, टर्नरी ऑपरेटर हमें इन लाइन कंडीशंस के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। अगर कंडीशन मेरी इन लाइन नहीं है तो फिर मुझे टर्नरी ऑपरेटर की आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती, फिर मैं इफ एल्स का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने पैराग्राफ क्या बनाया था पूरा, मैंने कहा यू सेड आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 20। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, प्लीज़, और ये पूरा जो है ये बोलेगा टर्न ऑफ द एसी, तो ये पूरा जुमला इस तरह से बनेगा। तो इस जुमले को मैं कॉन्सोल करवा लेता हूँ, कॉन्सोल पर लिखा हुआ आ जाए ये जुमला पूरा। ठीक है, पैराग्राफ जो भी मैंने बनाया है अभी वो लिखा हुआ आ जाए पूरा। अच्छा, अब मैं आगे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मुझसे एक इनपुट मांगता है। पहले तो मैं 30 से शुरू करता हूँ। ठीक है, 30 में यू सेड आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 30, प्लीज़ टर्न ऑन एसी, टर्न ऑन करने कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ 27 पे। ठीक है, 27 पे भी क्या है, टर्न ऑन आना चाहिए, टर्न ऑन है भाई। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ 26 पे, 26 पे टर्न ऑन एसी, रिफ़्रेश। 25.5 पे भी टर्न ऑन एसी। ठीक है, 25.0001 पे भी टर्न ऑन एसी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पूरा 25 हो जाएगा तो टर्न लोअर द एसी हमारे पास अगला जो है कंडीशन, यानी अब हम इसमें लाई करने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला कि भाई 23 इसमें भी लोअर द एसी, 21 इसमें भी लोअर द एसी, ये आ रहा है सही है। 20 पे मैंने बोला टर्न ऑफ द एसी। अच्छा, 20.0001 भी अगर होगा ना तो मैं क्या बोलूँगा कि लोअर द एसी, अभी 20 पूरा नहीं हुआ। उसके अलावा अब मैंने इसको 19 अगर दिया तो भी टर्न ऑफ है, 19 के अलावा 0 दिया तो भी टर्न ऑफ है, अगर -100 दिया है तो भी टर्न ऑफ है। इसमें मेरे पास कोई इनवैलिड इनपुट नहीं था। ठीक है, मेरे इस स्पेसिफिक केस के अंदर तो हमने दो प्रैक्टिस भी कर ली इसकी, एक ये वाला एक ये वाला, दो तरह से प्रैक्टिस की। ठीक है, उसको चला के भी देख लिया, इसको एल्स इफ भी आपको समझ में आ गया होपफुली। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात जो किसी को समझ ना आई हो इन लाइन कंडीशन से मुतालिक, अच्छा इसको मैं सेम लाइन में भी लिख सकता हूँ, मेरे लिए लाइन चेंज करना ज़रूरी नहीं था, मैंने समझाने के लिए लाइन चेंज की थी, इसको मैं पूरे को एक लाइन में भी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली सही है ये कंडीशन। अच्छा, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप इसको ब्रैकेट लगा के समझने के लिए अपने इसको ब्रैकेट में भी पैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पूरा जो है वो क्या है, एक टर्नरी ऑपरेटर है, तो उसको आप एक ब्रैकेट में पैक कर लें ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा क्या है, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, इसको आप एक और ब्रैकेट में पैक कर लें। तो समझने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप इसको मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं, आपने ऐसे मल्टीपल लाइन में कर लिया इसको। ठीक है, जैसे इफ एल्स होता है ना उस तरह से आपने इसको अलाइन कर लिया, तो आप ऐसे करके भी इसको आप मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं कि इफ़ पहले ये चेक होगा तो ये हो जाएगा, एल्स पे ये चेक होगा तो ये हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट में हो जाएगा ये वाला। सही है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको मल्टीपल लाइन में इसको डिवाइड कर लिया हमने। मेरा टर्नरी ये टर्नरी ऑपरेटर मेरा यहाँ से शुरू था ना, ये प्लीज़, उसके बाद यहाँ से मेरा टेम्पलेट स्टार्ट है और यहाँ पे मेरा टेम्पलेट ख़त्म है। उसमें पहला इफ जो है, इसको भी मैं नए लाइन में ले आता हूँ,
उसमें जो मेरा पहला इफ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चला, ये पहला टर्नरी ऑपरेटर है, उसके एल्स में ये पूरा का पूरा दूसरा टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है सर। जी दोस्त। सर ये इनलाइन जो ये टर्नरी ऑपरेटर है इसका मतलब यही है ना कि मैं इसके अंदर कम से कम जो मैक्सिमम है वो सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, ऐसे ही? हाँ, इसके अंदर आप दो तीन लाइन चार लाइन का कोड नहीं लिख सकते आमतौर पर, लिख सकते हैं वैसे, अगर मैं ज़बरदस्ती लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ मैं टर्नरी ऑपरेटर के, यानी ये कंडीशन है और ट्रू होने पे ये चलेगा, तो इसके अंदर मैं मल्टीपल लाइन का कोड भी ज़बरदस्ती चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन इसको इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आप यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे, नॉट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं, वैल्यू लिखने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, और जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई होगी वो रिटर्न होगी। रिटर्न क्या चीज़ होती है ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई कोड चलता है, मिसाल के तौर पे पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर जब रन होता है तो वो पूरा खुद गायब हो जाता है और उसकी जगह उसकी रिटर्न वैल्यू आ जाती है, ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू हम डिटेल में पढ़ते रहे, चार पाँच दफ़ा हमने इसकी एग्जाम्पल अलग अलग करके भी देखी है, ठीक है। हमेशा जब भी हम कोड रन करते हैं, जब उसको ड्राई रन करते हैं कोड को, तो हमेशा हम उसको रिटर्न वैल्यू को हम देख रहे होते हैं कि किस तरह वो इन्वॉल्व होती है हमेशा सामने। सर ये एंड और डबल कोट का सिंबल लगना जरूरी है? एंड और डबल कोट का सिंबल लिखना जरूरी है? डबल कोट तो ये स्ट्रिंग है ना ये वाला, और एंड कहाँ पर है? एंड तो नहीं लगाया मैंने, ये प्लीज के बाद जो आपका डॉलर जैसे सिंबल दिख रहा है। हाँ ये तो टेम्पलेटिंग है ना, ये तो ES6 की टेम्पलेटिंग है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को टेम्पलेटिंग में कोई इशू, इसको टेम्पलेटिंग में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई प्लीज़ बताइएगा, ये तो टेम्पलेट्स है ना, ये तो हम स्ट्रिंग के बीच में कोई भी वेरिएबल लगाना होता है इस तरह करके हम लगा देते हैं। ये हमने पढ़ा था जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे ना, तो जब स्ट्रिंग वेरिएबल हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग वेरिएबल कहाँ गया, इसी में ही होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल के दौरान कहीं हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोबली, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है, कि हम स्ट्रिंग को बैकटिक में लिखते हैं जब, तो उसके बीच में हम टेम्पलेट्स लगा सकते हैं। अच्छा, और किसी का कोई सवाल इसमें जो हमने अभी पढ़ाया आज? अच्छा, आगे हमें क्या पढ़ना है अगली क्लास में वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमने बूलियन नंबर स्ट्रिंग कवर कर लिया है, हमने ये सारे ऑपरेटर कवर कर लिए हैं, हमने इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर कवर कर लिया, हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी कवर कर लिए हैं सारे। अब हमें अगली क्लास में ना एंड और पढ़ना है, सही है, एंड और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके अलावा एरे और ऑब्जेक्ट हमारा अभी रहता है, राइट, एरे और ऑब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा, ये एरे और ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एंड और का जो टॉपिक है ये इफ एल्स के साथ साथ पढ़ना है क्योंकि ज़रूरी है, तो हम पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम एरे को और फॉर लूप को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, पहले एरे पढ़ेंगे उसके फ़ौरन बाद हम फॉर लूप पढ़ेंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया अगली क्लास का, हम अगली क्लास में हम क्या पढ़ रहे होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये दोनों हैं, लॉजिकल ऑपरेटर तीन है, बल्कि ये दो नहीं है, तीन है, ये एंड है और है और नॉट है, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके अगली क्लास में इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे, एरे, सही है, और साथ साथ ही हम फॉर लूप भी पढ़ लेंगे उसी क्लास में, ठीक है, दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे, दोनों का हम थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसकी अगली क्लास में हम दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। सर अटेंडेंस? हाँ, बस अटेंडेंस मैं कर लेता हूँ अभी एक दफ़ा और फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। 32 लोग हमारे पास कनेक्टेड हैं इस वक्त, ये 24 अगस्त की अटेंडेंस है क्लास ख़त्म होने के वक्त, यहाँ से ये शुरू है। अच्छा, ये एक पेज हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा पेज हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा पेज हो गया। अच्छा, ये क्लास ख़त्म करते हुए अटेंडेंस हमने ली है। ठीक है जी, अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है। हाँ, स्विच स्टेटमेंट, यार स्विच स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ नहीं है मैंने, चलो स्विच स्टेटमेंट भी थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा। वैसे इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट से एक ही काम हो रहा होता है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, लेकिन स्विच स्टेटमेंट भी हम थोड़ा सा देख लेंगे इंशाल्लाह, सही है।
ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात रहेगी, अपनी दुआओं में याद ओके इंशाल्लाह रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।